नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं इस वक्त आपके साथ राकेश कुमार। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए डालते हैं इस खबर पर एक नज़र। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के तेजापुर गांव के पास NH 233 पर स्कूली बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई है। टक्कर इतना जोरदार था कि बस में सवार लगभग 16 बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों की पुलिस की मदद से भी सभी घायल बच्चों को अतरौलिया 100 शैया युक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील के रामनगर स्थित पंडित राम अवध बाल विद्या मंदिर के बच्चे वाराणसी टूर पर गए थे। वाराणसी टूर से वापस आते समय बस जैसे ही अतरौलिया थाना क्षेत्र के तेजापुर गांव के पास पहुंची, उसी दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई। बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 16 छात्र घायल हो गए हैं, जबकि एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। बस में कुल 53 छात्र सवार थे। घायल बच्चों को नजदीकी 100 शैया जिला चिकित्सालय अतरौलिया में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर SDM बूढ़नपुर दिनेश कुमार मिश्र और क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर शीतला प्रसाद पहुंचे और घायल बच्चों को का हाल अस्पताल में ही जाना। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। घटना जो इस एक्सीडेंट हुआ है बस स्कूल से बच्चों का, कितने बच्चे घायल हैं, कितने बजे घटना है? ये लगभग सुबह 4:30 बजे की घटना है। वाराणसी से बस अपने विद्यालय में 53 बच्चे और 10 स्टाफ के साथ जा रही थी रामनगर स्थित पंडित राम अवध बाल विद्या मंदिर के बच्चे गए थे टूर प्रोग्राम पर। ये सुबह 4:30 बजे अतरौलिया में तेजापुर हाईवे पर ड्राइवर को झपकी आ गई और बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 16 बच्चे को कुछ चोटें आई हैं। एक बच्चा आदित्य, उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शेष लोगों का इलाज यहीं पर चल रहा है। उनकी हालत सभी की ठीक है, खतरे से बाहर है। ऐसी ही तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।